द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्मा सचदेव की लिखी कहानी चौकीदारनी। सरवर जान नई ब्याही गाय को गुड़ की चूरी खिलाकर बाहर निकली तो सांझ का सुरमई आंचल धीरे धीरे आकाश के होशो आवाज पर छाता जा रहा था। अभी कोई तारा नहीं निकला था, पर धुलिया आसमान पर कई सुराख सरवर जान को दिखाई देने लगे। उसके कलेजे में एक जोर की मरोड़ उठी। दर्द की इस मरोड़ से निकली आह को पहचान कर ही शायद उसकी गाय रंभाई। सरवर जान ने हाथ का कटोरा नीचे रखकर गाय के सिर पर हाथ फेरा और अपना गुड़वाला हाथ उसके मुंह के पास ले गई। गाय की पनीली आंखों में दर्द था। गाय कसमसाई तो सरवर जान ने उसके थनों को देखा। बछड़े के भरपेट दूध पीने के बाद भी उसके थन दूध से कड़े हो रहे थे। सरवर जान धुनिया लेकर पीड़े पर बैठकर दूध दुहने लगी। मिट्टी की धुनी में दूध की धारे ऐसे गिरने लगी जैसी पहाड़ी चट्टान पर बारिश की बौछारें गिरती हैं। सरवर जान को आज इस घर में आए 15 बरस हो गए हैं। कितनी ही ऐसी शामें हैं जब शेर खां वक्त पर घर नहीं आता। वैसे तो महीने में एक आध शाम ही ऐसी होती है, पर इसका धड़का उसे हर शाम होता है। जब तक शेर खां घर वापस नहीं आ जाता, वे दोपहर ढलने के बाद पूरी सांस नहीं ले पाती। आधी आधी छोड़ी हुई सांसें एक धुंध की चादर की तरह उसका वजूद ढक लेती है। आवाज आ रही है, अलिफ से अब्बा, बे से बत्तख, पे से पानी। उसकी छोटी बेटी रट रही है, उसे सिर्फ अलिफ से अब्बा सुनाई देता है। कितने प्यार से शेरे ने इनके नाम रखे हैं, नीली और लाली। नीली बड़ी है, उसकी आंखें नीली हैं और लाली है छोटी, उसके बाल लाल हैं। सबसे बड़ा है उसका बेटा सावन, जो बाप को मुतासिर करने के लिए एक ताल पे पट्टे काट रहा है ताकि बाप खुश होकर उसे रात को थोड़ी देर के लिए सुल्तान मिरासी के घर जाने दे। सावन को डफली बजाने का बेहद शौक है। दूध की धारें अब मानो किसी ताल में गिर रही हैं, गंभीर और किसी रियाजी उस्ताद जैसी आवाजें। वे जैसे सरवर जान का कलेजा मथ रही है। थोड़ी सी नीलाहट लिए हुए पतला सा दूध धोनी के गोल मुंह पर भर गया है। गाय निश्चल खड़ी है, उसने दूसरी दुहनी ली। उस पर गिरने वाली दूध की धारों की आवाज के साथ सावन के हाथों कटते पट्ठों के करहाने की आवाज शामिल हो गई है। शाम डरावनी सी हो उठी है। बाहर भालू कुत्ता अपनी गुर्राहट तेज कर रहा है। सरवर जान के कान बजे हैं। बाहर खुले दरवाजे के पास गली में से आती आहटें रुकी हैं। शायद शेरा ने कतलू को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा होगा। फिर थप की आवाज, जैसे उसके कलेजे पर कुछ गिरा हो। ये सेबों की थैली होगी, कुछ रखने की आवाज, ये मेवे होंगे। फिर शेरा के अंदर दालान तक आकर रुकते कदम और भयानक खामोशी। सरवर की दूसरी दुहनी भी भर चुकी है। गाय प्यार से सरवर को निहार रही है। एक झुंझलाई सी भरपूर आवाज उभरी है, सावन की अम्मा। धोनी जरा सी छलकी। सरवर जान ने कहा, ओहो आज मैं सिर्फ सावन की अम्मा हूं। दोनों दुहनियां उठाकर वे बाहर आई। सामने से आती दोनों बेटियों को एक एक दुहनी थमाकर ऊंची लंबी जहीन सरवर शेर खां के सामने आ खड़ी हुई। आंखों में आंखें डालकर बोली, आज फिर? अल्लाह कसम सरो, शेर खां बोला। थोड़ा सा मुड़कर वे बगैर बात सुने चली गई। जब लौटी तो उसके हाथ में लोटा था। पानी लेकर शेर खां ने उसे देखे बगैर कहा, कतलू बाहर बैठा है। जानती हूं, मुख्तसर सा जवाब था, पर उसके जवाब से शेर खां मुतमईन हो गया। उसने सोचा, मेरे साथ कैसी भी बेरुखी बरते, कत्लू की खातिर में कोई कसर ना होने देगी।
उसने अपना बड़ा सा कोट अलगनी पर डाला और गर्म पानी से भीगे तौलिए को एक तरफ रखकर अपनी पेशावरी चप्पल खोलने लगा। आज पैर खुद साफ करने होंगे। सरो जब मोहब्बत में होती है तभी उसके पांव खूब रगड़कर साफ करती है। कितना सुकून आता है। तभी कतलू ने दरवाजे पर से कहा, मैं जा रहा हूं शाह। बाजी ने शहर की मिठाई और दूध की हांडी आपा के लिए भेजी है। शेर खां ने अपनी कराकुली टोपी उतार कर अंदर रखे नोटों में से एक नोट कतलू की हथेली पर रखा। कतलू ने नोट लेकर कहा, इसकी क्या जरूरत थी शाह, हमेशा ही तो देते हो। यह कहकर उसने नोट अपनी बंडी में खोस लिया और सलाम ठोकर चला गया। जमीन से चप्पल एक तरफ हटाकर शेर खां ने पांव पोछे और तौलिया फेंक कर जमीन पर बिछे मोटे सतरे पर लेट गया। जब आदमी अपने कमरे में अकेला रह जाता है तब बीते दिनों के लम्हे जो उसके आसपास ही मंडरा रहे होते हैं उसके बदन पर आकर चींटियों की तरह रेंगने लगते हैं। शेर खां की आंखें बंद होती गई। बेजान सा शेर खां अब अपने माजी के आगोश में था। उसने देखा उसके छोटे छोटे लाल लाल पांव स्कूल से नंगे पैर आने पर ठंड से बेजान हो चुके हैं। उसका जूता पता नहीं कौन ले गया है। नूर बेगम गरम गरम पानी से फीका मोटा खुरदरा कपड़ा उसके पांव पर रगड़ रही है। कितना अच्छा लग रहा है। शेर खां ने अपना एक पांव दूसरे पर धीरे धीरे रगड़ना शुरू किया। नूर बेगम और करीब आ गई। 8-9 बरस का गांव के स्कूल में दूसरी जमात में पढ़ने वाला शेर खां शर्म के मारे चित पड़ा है। ठंडे पांव उसे हिलने तक की इजाजत नहीं दे रहे। नूर बेगम उसके पांव पर तेल मल रही हैं। फिर अपने आंचल से पोंछ सीने से लगाकर रजाई में घुसी बैठी हैं। वह नूर के हाथों से अपना पांव छुड़ाता है। आंसू की गरम गरम बूंद टप से उसके पांव पर पड़ती है। एक कील सी अंदर घुस जाती है। नूर बेगम जा चुकी हैं, पर कील बाहर नहीं निकली। तभी उसकी माँ की आवाज आती है, शेर खां, शेरू, ले दूध और रोटी खा ले। तू नूरी से क्यों घबराता है? तेरी बीवी है वह, इस घर में उसका और कौन है? तू उसके साथ खेला कर। अम्मा, खाना खाने दे ना, और नूर के साथ मैं कभी ना खेलूंगा, वह मुझसे बहुत बड़ी है, चिल्लाकर शेर खां बोला। माँ ने प्यार से कहा, कितनी? सिर्फ 10 साल? और 4 बरस में तो तू बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा अम्मा? अब्बा के जितना? नहीं, पर काफी बड़ा। इतना बड़ा कि नूरी से कभी कभी खेल भी सके। तब क्या वे छोटी हो जाएगी? कौन? नूर? पगला कहीं का। बड़ा होने के बाद कोई भी छोटा नहीं होता। पर मुझे स्कूल में सब लड़के छेड़ते हैं। कल उस्ताद भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि वह मेरी बीवी है। बीवी तो है ही बेटा, उसके चाचा ने जब तेरी फूफी से शादी की थी तब तुम 5 ही बरस के थे, तुम्हें कैसे याद होगा? पर अम्मा, शादी में तो ढोल बजते हैं। ढोल तो बजे नहीं, शादी कैसे हुई? बजे थे बेटा, पर तब तू मेरी गोद में सो रहा था। अम्मा, मुझे नींद आ रही है, तू मेरे साथ सो जा, मैं रोटी खा चुका। पर अभी बहुत काम है। काम वह करेगी, तू मुझे सुला, मुझे डर लग रहा है। शेरू की माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रजाई में उसे लपेट कर गाने लगी। दरसी दे बना विच बुन्नी ओ लोया, जिना गल्ला डरदी सी उया गल्ला होइया, लगी कैंची दिल नू। यानी दरसी के जंगल में लोइयां बुन रही हूँ, जिन बातों से डरती थी वे ही बातें हो गई हैं, दिल में कैंची सी आ लगी है। ठग की आवाज से शेर खां चौका। उसने देखा सोए सोए उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसकी बेटी नीलू उसका ठंडे कहवे का प्याला लेकर बाहर जा रही थी। आज 15 बरस पहले का वह दिन कैसे पूरा का पूरा जी उठा है।
उसने आसपास देखा, नूर कहीं ना थी। माँ को मरे अब अरसा हो चुका था, पर नूर तो थी, जो अपने घर से एक बूढ़ी गाय की तरह निकाली जा चुकी थी। तभी सावन ने आकर कहा, अब्बा खाना खाने चलो, मुझे आज भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अब्बा, काली घोड़ी का पांव अभी तक ठीक नहीं हुआ। कांटा अच्छी तरह से निकाला था? हाँ अब्बा। तो गर्म पानी से साफ करके एक बार फिर आग के पत्ते पर देसी घी चुपड़ कर बांध देना। सावन के निकलते ही सरवर जान आ खड़ी हुई। क्यों, बहुत कुछ खिला दिया उसने, घर में भी लोग इंतजार करते हैं। अजी, तुम्हारी दोनों बेटियां गुमसुम दस्तरखान पर बैठी हैं। शेर खां उठ बैठा। उसने कहा, चलो मैं आ रहा हूं। लोई को लपेटते ही काले धागे से बंधा ताबीज ठक से नीचे गिरा। नूरी की आवाज उसके कानों में रस घोलने लगी। इसे बहां पर बांध लेना, दरगाह गई थी, वहीं से लाई हूं तुम्हारे लिए। शेर खां ने ताबीज उठाकर छत की कड़ियों में खोस दिया और खाने के लिए चला गया। सावन अपनी माँ के आंचल से हाथ पोंछकर बोला, अब्बा अब्बा मैं। हाँ हाँ, सुल्तान के यहाँ जाओगे, चले जाओ, पर जल्दी आना। सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। सुल्तान मिरासी के नाम से भी शेरखां चिढ़ता था। हाथ धोकर शेरखां फिर अनमनासा बिस्तर में गिर गया। तभी वे फिर आ गई, नूर, 18-19 बरस की नूर। उसने देखा, स्कूल से आते ही वे अपना पट्टी बस्ता फेंककर माँ को ढूंढने लगा। नूर ने गर्म पानी से भीगा तौलिया उसे दिखाकर कहा, चलो चलो पाँव पोंछ दू। पाँव पुछवाने में बला का आकर्षण था, अब उसे आदत भी पड़ चुकी थी। यही वह वक्त था जब नूरी 2 मिनट के लिए अपने छोटे से बलमा के पास होती थी। वे उसके पाँव साफ करती और इसी बहाने उसे इस घर में अपने पैर पक्के जमने का यकीन हो जाता। शेरू जल्दी करने को कहता, वे मुस्कुराकर देर लगाती। शेरू के पाँव साफ होते तो उसे लगता स्कूल के मटमैले धूल भरे टाट की गंदगी से मुक्त हो गया। अब भी तो उसे पाँव साफ करवाने में बड़ा रस आता है। नूर मकई की रोटियों पर मलाई का ढेर डालकर ले आती थी, उसे पकड़ाकर भाग जाती। कभी कभी वे देखता रसोई घर से नूर उसे देख रही है। कभी कभी खाना पकाते वक्त वे धीरे धीरे गाती, अज छोटरा कल बड्डा, माए दिनों दिन जोत सो आई वो, यानी आज छोटा है तो कल बड़ा हो जाएगा, दिन ब दिन ज्योति और ज्यादा तेज लो देगी। वे बाहर भाग जाता, सुबह उसकी पट्टी उसे साफ मिलती। काली स्याही की बोतल अच्छी तरह भीगी भिगाई, किताबें बस्ते में करीने से लगी हुई, कलम की नोक अच्छी तरह गड़ी हुई। वे खुश होकर सोचता, मैं जवां मर्द हूँ और ये नूर जो इतनी सुंदर है, जो चांदनी की तरह चमकती है, धूप की तरह खिलखिलाती है, महज मेरी बीवी है, हमेशा हमारे घर में रहेगी। बड़ा होकर मैं उसे मेले में ले जाऊंगा, अब्बा के खास घोड़े पर बैठकर उसे भी साथ बिठा लूंगा। पर स्कूल जाते ही जब उसे दोस्त छेड़ते, आहा क्या पट्टी लिश्की है, क्या आंखों में सुरमा, बीवी ने डाला होगा, तो सबके हंस पड़ते ही उसके सपने हवा हो जाते। ये खिलखिलाहट उस्ताद के आने पर खत्म हो जाती, पर शेर खां सारे दिन के लिए बुझ जाता। माँ उसका बुझा चेहरा देखती तो कहती, जाओ जाओ बच्चों के साथ जाकर खेलो। शेर खां कहता, नहीं मैं ना जाऊंगा, सब मुझे छेड़ते हैं। माँ के सोने से एक आह निकलती, बचपन तो मेरे बच्चे का घुट गया है, जवानी कैसी होगी, या अल्लाह रहम कर, ऐसे बेमेल ब्याह तो हमारी बिरादरी में कितने ही होते हैं, फिर मेरे बच्चे को ही यह बात क्यों ज्यादा महसूस होती है। नूरी की खूबसूरती के चर्चे तो सारे गांव में थे, सुगढ़ भी वह उतनी ही थी। जब पानी भरने कुएं पर जाती तो खिलखिलाती हुई हम उम्र भवों के साथ बांटने को कोई राज उसके पास ना होता, वह अछूती सी खड़ी रहती।
एक तरफ खामोश, चोर की तरह, जब उसे कोई छेड़ता तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता। वह पानी भरने के लिए कुएं पर चढ़ जाती, सभी के घड़े अपनी पीतल की बाल्टी से दनादन भर डालती, हर कोई दुआ देता। इसके बाद अपने घड़े उठाकर गीली रस्सी गीले हाथों पर डाले वे रूखी सूखी घर आ जाती। कभी कभी शेरा चिढ़कर उसका लाया दूध का कटोरा फेंक देता। नूरी की आंखें खाली कटोरे को जमीन पर टिकते झनझनाते देखती और आंसुओं से लबालब भर जाती। शेर खां ने अपनी रजाई को थोड़ा मोड़ा, एक आह उसके सीने से उठकर अतीत पर फिर गई। उसने सोचा, मैं तो बच्चा था पर समाज कितना पापी है, मुझे तो नूरी माँ जैसी ही लगा करती थी। और डर के मारे वे बच्चा कभी कभी रात में दोस्तों से छेड़े जाने पर बीवी के नाम से भी डर जाता। उस दिन जब शीशे से कटा लहू लुहान पैर लेकर वह घर में घुसा था तो माँ घर पर ना थी, नूरी ही तो थी। पट्ठे काटने वाली दराती उसके हाथ में थी, जैसे मार डालेगी। ऐसे ही खड़ी थी नूरी। उसने रोते रोते कहा था, स्कूल में शीशा चुभ गया। नूरी ने उसे गोद में ले लिया था, दराती की नोक से ही उसका कांच निकाल दिया था। तड़प कर शेरा उससे चिपट गया था। नूरी ने उसके बालों पर हाथ फेर कर उसके माथे को वैसे ही चूम लिया था जैसे माँ चूमती है, फिर कपड़ा जलाकर उसके जख्म पर पट्टी बांध दी थी। उस दिन के बाद उसे नूरी से डरना लगता था। पर तभी शेरा के मामा एक दिन आकर उसे ले गए थे। माँ ने ही चिट्ठी लिखवाई थी। शेरा के मामा का गांव बड़ा था, वहाँ 8वीं तक का स्कूल भी था और मामा का कारोबार भी काफी बड़ा था। मामा की एक ही लड़की थी सरवरजान, और शेरा भी माँ का एक ही बेटा था। माँ और मामा की बातचीत उसने चुपके से सुन ली थी। माँ कह रही थी, शेरा बहुत छोटा है और नूरी बहुत जवान, इसे तुम ले जाओ वीर, मेरा एक ही बच्चा है, मैं इसे अलग तो रह सकूंगी पर इसके साथ रहकर मैं इसका बचपन घुटता हुआ नहीं देख सकती, बड़ा करके भेज देना, बीच बीच में मैं आती रहूंगी। मामा ने कहा था, खतीजा तभी तुमसे कहा था उम्र का इतना फर्क नहीं होना चाहिए। माँ ने लगभग रोकर कहा था, शेरू के अब्बा के आगे मेरी कब चली है, फिर इस घर में तो दो हाथ चाहिए थे, जब से मैं बीमार रहती हूँ घर तो सारा नूरी ही संभालती है। मामा भी तीखी आवाज में बोले थे, तुम्हें एक नौकरानी चाहिए थी, बहू नहीं। शेर खां को जब तक मैं ना भेजूं बुलाना नहीं, तुम लोग उससे वही मिल सकते हो। पर खतीजा उस बेजुबान पर रहम करो, उसे आजाद कर दो। वह ये घर छोड़कर नहीं जाएगी वीर, उसके चाचा ने उसे भाई के मरने के बाद इसीलिए बड़ा किया था कि किसी दिन उसका घर बसाने के लिए इसकी कुर्बानी दी जा सके। 3-4 बरस हो गए हैं, कभी इसको चाचा ने घर पर नहीं बुलाया। इसकी माँ के गहने शेरा की फूफी लादे लादे फिरती है, अब तो माशाल्लाह उम्मीद से भी है, हमारे बुलाने पर भी वह उसे नहीं भेजता। नूरी को जिंदगी में पहली बार घर मिला है वीर, वे इसे छोड़कर नहीं जाएगी। मामा ने कहा, जब शेरा जवान होगा तब? माँ ने बड़े विश्वास से कहा, शेरा की एक और शादी करवा दूंगी, मालकिन तो नूरी ही रहेगी। शेरखा इससे ज्यादा ना सुन सका, उसकी छाती में एक बगुला सा उठा। जो खुशी उसे मामा के घर जाने में हो रही थी वह निकल गई। उसने सोचा, अगर नए स्कूल में भी मामा ने बता दिया कि उसकी बीवी है तो क्या होगा, वहां भी सब छेड़ेंगे। वे भागकर अपने कमरे में गया। उसने देखा नूरी रो रही थी और उसके कपड़े तह रही थी। उसका जी चाहा नूरी से कहे, मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा, पर उसे देखकर वह हमेशा की तरह खामोश रह गया। नूरी ने अपने आंसू पोछे बगैर उससे पूछा, सभी कपड़े रख दूं या कुछ यहाँ रहने दूं? नहीं, सभी रख दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा।
यह कहकर शेर खां भाग गया था। नूरी तनिक सी मुस्कुराई थी। शेर खां उस मुस्कान का अर्थ ना समझता था, पर आज अब क्यों याद आ रही है उस बात। नूरी को अब बूढ़ी हो जाना चाहिए था, पर वह तो वैसी ही है, उसका आंख का नूर अभी तक वैसा है। शेर खां ने रजाई और कसकर लपेट ली। कमरे में दिए की पीली सी रोशनी हुई, उसकी बंद आंखों से भी वह दिखाई देती थी। सरवर जान ने फूंक मारकर दिया बुझा दिया, चुपचाप उसकी बगल में आकर लेट गई। शेर खां ने बेसाख्ता उसे अपने आगोश में ले लिया। उस वक्त वह नूरी थी, जवां जवां नूरी। उजाले में जो मसले हल नहीं होते, अंधेरे में कैसे बहस के बगैर ही सुलझ जाते हैं। दूसरे दिन का सूरज किसी पागल की जुल्फों की तरह बिखरा बिखरा था, पर सरवर जान हंस हंस कर बच्चियों के बस्ते नूरी के भेजे सेबों और बादामों से भर रही थी। हंसकर बोली थी, तुम लोगों की बड़ी अम्मा ने भेजे हैं। लड़कियां शर्मा कर भाग गई थी। जब खुश होती थी तो सरवर नूर को हमेशा बच्चों की बड़ी अम्मा कहती थी, खुद भी उसे आपा कहती, पर यह खुशी बरसात के चढ़ने वाले सूरज की तरह होती थी। आपा या नूरी, अब मौलवी अमीन की बेगम थी और मौलवी की पहली बीवी के सब बच्चों को व्यवस्थित कर चुकी थी। अब उसका छोटा बेटा ही उसके पास था। इसी दुधमुहे बच्चे के लिए मौलवी ने कभी कोई औरत या बीवी चाही थी जो उसे पालकर बड़ा करती, मौलवी के बच्चों को और उसके घर को सहेज लेती। ये सब काम नूरी ने किए थे चौकीदारिनी की तरह। अब मौलवी साहब के इंतकाल के बाद वे उनके छोटे बेटे के साथ घर पर रहती थी। कतलू उसके बागों का कारोबार संभालता था, पर नूरी को कभी भी यह घर अपना ना लगा था। उसका मन हमेशा खिसता रहता। शेर खां ने जीन कसी। उसने सोचा, काम पर जाऊंगा, आज घोड़ों की खरीदारी करनी है, शायद माजी के आगोश में से भी निकल पाऊं। घोड़े पर बैठकर शेर खां ने एड़ लगाई, लेकिन इसी के साथ जैसे उसके ख्यालों को भी एड़ लग गई। वह रात जीती जागती औरत की तरह उसके सामने थी। वह रात जब शेर खां को ना जाने कितनी तरह की औरतों ने नूरी के कमरे में ढकेल दिया था। कमरे में 30 बरस की नूरी 20 बरस के शेर खां को देखकर जरा भी नहीं शर्माई थी। पीले पत्ते की तरह वह कांप रही थी, पीले पत्ते ही की तरह मानो डाल से टूटकर गिर भी पड़ी। रो रही थी नूरी। शेर खां की समझ में ना आया वह क्या करे। नूरी कभी कभी आंगन में लगे खुबानियों के पेड़ की तरह उसे याद तो आती थी, पर नूरी उसकी बीवी, उसके सपनों का ताजमहल तो नहीं है। नूरी ने ही कहा, बैठो शेर खां। शेर खां फिर स्कूल से आए उस बच्चे की तरह हो गया जिसके पाँव में शीशा लगा था। वह भी रोने लगा। नूरी उसे देखते ही चुप हो गई। उसने शेर खां का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं शेर खां, तुम मत रो। रोऊंगी मैं, मुझे रोने की आदत भी है और अब अच्छा भी लगता है। जिस तरह से रो रोकर मैंने अपनी मुरादों की रातें काटी हैं, उस तरह से तुम्हें ना काटने दूंगी। तुम तो मेरे छोटे से बलमा हो ना, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा भी किया है। तुम हमेशा मेरे शोहर थे, मैं ही कभी तुम्हारी बीवी ना थी। तुम्हारी बीवी हूँ ऐसा तो कभी मुझे भी नहीं लगा। तुम्हारे नाम की ओट में मैंने एक शोहर जरूर देखा है, पर यकीनन वे तुम नहीं हो। तुमने मुझे घर दिया, मेरा अपना घर, वही पाकर मैं खुश हूँ। तुम्हारी हसरतें नहीं टूटने दूंगी। जानती हूँ तुम्हारे मामा तुम्हारी शादी सरवर से करना चाहते हैं। शेरा चीख कर बोला था, नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। नूरी ने कहा था, वह तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ शेरा। मैंने मेहर की रकम भी माफ़ की, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा, यह मैं जानती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं मांगी हैं,
लोगों ने भी मुझे हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं ही दी हैं। शादी की रात जब तुम 5 बरस के थे तब मुझे तुम शोहर थोड़े ही लगे थे। तब तुम मुझे एक घर लगे थे जहां मैं महफूज रह सकती थी। घर की कितनी ममता होती है, लोग तो कभी कभी चले भी जाते हैं पर घर कभी नहीं साथ छोड़ता। घर बेमुरव्वत भी नहीं होता शेरा। शेरा के सिर पर हाथ फेरकर नूरी ने कहा था, रो नहीं, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। मौलवी साहब की बीवी का इंतकाल हुए कल 1 महीना हो जाएगा, उनका दुदमुहा बच्चा मैं बचा लूंगी। मौलवी साहब को भी एक औरत चाहिए, बीवी नहीं। पर मेरी तकदीर में बीवी बनना लिखा ही कहाँ है। एक शोहर मिला जो 10 साल छोटा था, दूसरा हासिल करने जा रही हूँ जो 20 साल बड़ा है। उनके घर में 4 लड़कियाँ भी हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। ये कहकर नूरी रुकी थी, फिर अवाक शेरा ने कहा, वह रोकर भीख मांग रही थी, यह मेरा घर है, मुझे कभी कभी बुला लिया करना। इस घर की दीवारों पर मेरी जिंदगी के सालों की तारीखें लिखी हैं। इस घर की कोई भी ऐसी दीवार नहीं जिसके सीने के साथ लगकर मैंने अपने माजी के ख्वाब नहीं बुने। कोई ऐसा दरख्त नहीं है इस घर के पिछवाड़े में जिस पर आने वाले फूलों में मैंने अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखे। इस घर की छत की कोई भी कड़ी ऐसी नहीं है जो मेरी आंखों की ताब ला सकी हो। इस घर पर आने वाली हर रात मैंने अपने सीने में जज्ब कर ली है, हर दिन तुम्हें दे जाऊंगी। पर मुझे कभी कभी बुला लिया करना शेरा। शेर खां बुलाओगे ना, रो नहीं। अब भी कभी कभी जी चाहता है तुम 8 बरस के हो जाओ, मैं 18 की, ताकि ना मैं सपने बुनने से चूकूं, ना तुम तोड़ने से बा जाओ। अब रो नहीं, लोग सुबह तुम्हारी सूजी आंख देखकर सोचेंगे बड़ी बहू ने तुम्हें मारा है। जाओ इस चारपाई पर सो जाओ, मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, तुम्हारे पांव पोंछकर मैं भी सो जाऊंगी सुबह तक। शेर खां वे रात कैसे भुला सकता है जब अपने सीने के बीच उसके पांव रखे नूरी रात भर जागती रही थी। सुबह जब वे पक्की नींद सो रहा था तभी वे बेचारी गाय, जिसका खूंटा तो घर वालों ने खोल दिया था पर रस्सी गले में बंधी रहने दी थी, धीरे धीरे खूंटे को घसीटती मौलवी के घर चली गई थी। सवेरा हुआ तो घर भर में कोहराम मच गया था। रिश्ते की किसी औरत ने कुछ कहना चाहा था तभी उस घर में पहली बार शेर खां की कड़कती हुई आवाज गूंजी थी, खबरदार जो नूर बेगम के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला, मैंने खुद उसे तलाक दिया है, आज उसका निगाह मौलवी साहब से होगा। अम्मा आज तुम्हारी नौकरानी चली गई और मेरी बीवी मर गई, उसके खिलाफ इस घर में कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं कल ही जाकर फौज में भर्ती हो जाऊंगा। सारे घर में सन्नाटा छा गया था। कभी कभी नूरी को लेकर अगर कोई फुसफुसाहट होती तो शेरू को देखते ही बंद हो जाती। फिर उसी साल शेरा की शादी सरवर जान से हो गई थी। शेर खां चित दो राहे पर खड़ा भूले हुए मुसाफिर की तरह टुकुर टुकुर देखता रहता। रात भर वे सरवर जान को मन ही मन नूरी कहता, फिर सुबह उसे आँख ना मिलाता। नूरी अब सब के लिए एक कहानी थी पर उसके लिए एक हकीकत। उसका घोड़ा तीरंदाज जब भी नूरी के घर की पहाड़ी से नीचे उतरता, अखरोट के दरख्त के पीछे से नूरी का साया लरसता हुआ दिखाई देता। और जैसे जैसे उसका घोड़ा ढलान से नीचे उतरता नूरी गायब होती जाती, अनारकली की तरह जो ईंटों के पीछे चुने जाने पर धीरे धीरे गायब हो गई थी। ढलान पर उतरने से पहले शेर खां थोड़ी देर पहाड़ी पर खड़ा रहता था, कभी डूबते सूरज को देखता कभी नूरी के साए को। इसी तरह कई बरस बीत गए। सावन तो पहले बरस ही आ गया था, फिर दोनों बच्चियां भी आ गईं। दिन हाथों से फिसलते रहे,
फिसलते ही रहे। शेर खां के गले में फांस अटकी ही रही, नूरी की फांस। फिर एक दिन जब वह उस गली में से जा रहा था, कतलू ने ही उसके घोड़े की रास थामकर कहा था, शाहजी आपको आपा बुला रही हैं। घोड़े से उतरकर शेर खां नूरी के सामने वैसे ही खड़ा हो गया जैसे जज के सामने चोर आकर खड़ा होता है। नूरी ने ही मौन तोड़ा, कैसे हो शेर खां? शेर खां ने एक आह भरकर कहा, सलाम अलैकुम बेगम साहिबा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? नूरी की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने मुस्कुराकर कहा, आज कितने ही दिनों के बाद इधर आए हो। मौलवी साहब काफ़ी बीमार हैं, इन्हें शहर के अस्पताल में पहुंचाना चाहती हूँ। शेर खां जिसकी आवाज़ से आसपास का सारा इलाका थर्राता था, एक मासूम मेमने की तरह सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। नूरी ने एक टोकरी उसे थमा दी थी, यह बच्चों के लिए ले जाओ। शेर खां हिम्मत बांधकर बोला, अभी मैं पालकी का इंतज़ाम कर देता हूँ, साथ जाऊँगा, आप घर पर ही रहिए। फिर मौलवी साहब जब ठीक होकर आ गए तो कभी कभी शेर खां वहाँ आने लगा। आने जाने का ये सिलसिला अफवाह बनकर सरवर जान के पास भी पहुँचा था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, ये आए दिन बच्चों के लिए मेवे कहाँ से आते हैं? नूरी, नूर बेगम, मौलवी साहब के घर से। सरवर ने मुंह खोलना चाहा, शेर खां ने बंद कर दिया, ये बच्चे नूरी के भी हो सकते थे, आइंदा ये जिक्र ना हो। सरवर चुप हो गई थी, पर जब भी कभी घर में मेवे आते वे बच्चों को खूब सुनाती, तुम लोगों को बड़ी अम्मा ने मेवे भेजे हैं। कभी कभी मजाक में भी बड़ी अम्मा का जिक्र होता, पर कहीं अंदर मन से उससे सहन ना होता। बड़े अधिकार से कतलू उसे बाजी कहता था, उसी से मौलवी साहब की बीमारी और नूरी की सेवा की खबरें ये सुनती रहती। और फिर मौलवी साहब का इंतकाल हो जाने पर जब शेरा ने उससे आकर कहा था, सरो मौलवी साहब नहीं रहे, मैं नूरी के घर जा रहा हूँ, तुम चलोगी? तो उसने, नहीं तुम ही जाओ, ही बोला था। शेरा घोड़े को एड़ लगाकर चला गया था और पूरी तरह से कभी घर ना लौटा। सरो के बच्चे थे, घर था, पर वे मालिक की मालकिन ना हो सकी थी। अपने और शेर खां के बीच उसे हमेशा नूरी खड़ी मिलती थी। नूरी उसकी सौत, नूरी उसकी सांस, उसकी दुश्मन, उसकी साझेदार। बच्चों के लिए तोहफे आते तो जिस खुशी से बच्चे उन्हें स्वीकार करते, सरवर जान से बर्दाश्त ना होता। कभी उसे लगता, पति तो नूरी का है ही, कहीं ये बच्चे भी, और वे थर्रा जाती। बच्चों ने अपनी बड़ी अम्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। फिर एक घटना हुई, इतने बरसों बाद सरवर जान फिर उम्मीद से थी। गांव की अनुभवी दाई ने कह दिया था, इस बार मेरे बस का नहीं है, इसे शहर ले जाओ। शेर खां तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन सरवर जान से कहने लगा, कल हम शहर जाएंगे, पता नहीं कितने दिन लगे, तुम कहो तो नूरी को बुला लूं, बच्चों को भी सहारा देगी, घर भी देखेगी, तड़पकर सरवर बोली थी। अब ज्यादा देर क्या है, मेरे मरने के बाद यही ले आना। शेर खां चुप रह गया था, पर जाते जाते कतलू को वहां छोड़ गया था। अस्पताल पहुंचते ही सरवर जान को दर्द उठा था, फिर डॉक्टर ने मरा बच्चा निकालकर उसकी जान बचा ली थी। शेर खां बाहर कह रहा था, या अल्लाह पाक मेरा ईमान रखना। फिर सरवर जान ने ही उससे कहा था, मैं ठीक हूँ, तुम दाई का इंतजाम करके बच्चों को देख आओ, मुझे अच्छे सपने नहीं आते। शेर खां डॉक्टर से पूछकर चला गया था। आठवें दिन आकर सरो को ले जाने के लिए अस्पताल में सरवर जान अब अच्छी हो चुकी थी। टांके निकलने का इंतजार था। उसे थोड़ा होश आने लगा तो उसने पाया, रोज शाम को नीचे के वार्ड में कोई चिल्लाता है, एक औरत की गिड़गिड़ाहट, आकाश को चीर डालती गुहारें, फिर मंद पड़ती आवाजें। रोज शाम के वक्त एक खौफ,
एक खौफ सरवर जान के ऊपर तारी होता। जब तक वे आवाजें उभरकर मिट नहीं जाती, वे थर्राती रहती। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा लाल? कल ही तो पैदा हुआ था। अल्लाह अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ ले गए? सरवर जान ने दाई से पूछा, इस औरत का बच्चा भी मरा पैदा हुआ था क्या? दाई बोली, नहीं बीवी, इसका बच्चा कहाँ से होगा? इसका खाविन तो अभी स्कूल जाता है। ये पागल जैसी हो गई है। घर में जेठानी के हर साल बच्चे होते थे, यही उनको पालती रही। कहते हैं इस बार उसे जुड़वा बच्चे हुए तो वे पागल हो गई है कि एक बच्चा मेरा है, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। जेठानी से बच्चा छीनने लग गई, घरवाले मार पीट कर मायके छोड़ आए। अब इसके माँ बाप ने इसे यहाँ रखा है, ससुराल वाले इसे अब नहीं रखेंगे। इतने साल वहाँ खटती रही, अब जब 4-5 साल बाद इसका आदमी बड़ा होगा तब राज करने कोई दूसरी आ जाएगी। औरतों का भाग ही खोटा है। तुम क्यों रोती हो? मुझे उसके पास ले चलोगी? सरवर जान ने रोते हुए कहा। दाई बोली, तुम्हारा मन बड़ा कमजोर है बीवी, थोड़ी ठीक हो जाओ फिर चलेंगे। दिन में वे बिल्कुल ठीक होती है, मैंने कितनी बार उससे बातें की हैं। तो अभी उसे बुला सकती हो? अभी? बड़ी जल्दी में हो बीवी, डॉक्टर राउंड लगाकर चले जाएं, फिर बुला लाऊंगी। दोपहर को वह आई, हाथ में खाने की थाली लिए। सरवर जान उठ बैठी। थाली दाई को थमाकर वह औरत सरवर जान की बाहों में समा गई। दोनों औरतें रोने लगी, मानो एक दूसरे की व्यथा बरसों से जानती हों। सरवर ने उसके आंसू पोंछ लिए, अपने बहने दिए, फिर प्यार से पूछा, मैं तुम्हारी बाजी हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारा निकाह कहीं करवा दूंगी। अल्लाह ने तब तक खाने को बहुत दिया है। नहीं बाजी, मैं यहीं ठीक हूँ, सारी उम्र कोई अस्पताल में नहीं रह सकता। तुम्हारा नाम बेगमा है ना? चलो मेरे साथ। नहीं बाजी, हमारे गांव में रसूल है, रसूल मेरा बचपन। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर। अब सब पागलपन छोड़ दो। खाना खाकर सरवर जान ने उसकी कंघी की, आंखों में काजल डाला और अपने गले की जुगनी उसके गले में डालकर कहा, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ। अच्छा बाजी, अब मैं चलूं, मुलाकाती आने वाले हैं। क्या रसूल आ रहा है? हाँ बाजी, उसने शर्मा कर कहा। उस रात चिल्लाने की आवाजें बंद हो गई, जिस दिन सरवर जान को घर जाना था। सवेरे ही शेर खां पालकी लेकर आ गया था। बेगमा ने शेर खां से घूंघट निकाला तो सरवर ने मना कर दिया, ये भाई है तुम्हारा। बेगमा ने सरवर जान के लंबे लंबे बालों में खूब तेल डालकर मीडियां गूथ दी। उसकी आंखों में काजल डाल भवों पर काला टीका लगाकर कहा, तुम्हारी कभी कोई सौत ना होगी। मेरी सौत नहीं है, आपा है। हैं? क्या कहा? कुछ नहीं, घर जाने के लिए जी तड़प रहा है। पालकी में बैठी सरवर जान से गले मिलकर बेगमा रोई तो नर्स दौड़कर आ गई। बेगमा ने कहा, नहीं बहन, मैं पागल नहीं हूँ, आज तो मैं ठीक हो गई हूँ। सारे दिन की थकान के बाद सरवर जान आंगन में आकर खड़ी हुई तो चारों ओर देखकर उसने मन में सोचा, मैं कुछ दिनों के लिए ही तो यहाँ ना थी, पर कैसा लगता है, कुछ नया कुछ पुराना। शेरखां उसे अंदर चारपाई तक ले गया। सावन और दोनों बेटियाँ सहमी सी खड़ी थी। सरवर ने बाहें फैलाकर सबको गोद में ले लिया, फिर शेरखां से बोली, शाह शाहजी। क्या है सरो? मेरी एक बात मानोगे? कहो ना, शेरखां बोला। जाकर जाकर नूरी आपा को घर ले आओ, वहाँ उसने सब बच्चियों की शादी कर दी, पर ये दोनों भी उसी की हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं शाह, ये घर उसी का है, उसे ले आओ। जब तक वह नहीं आएगी मैं इस घर का पानी ना पीऊंगी। उस रात शेर खां के आगोश में सरो थी।
नूरी ना थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।